जी अस्सलाम वालेकुम सुवर्ण, आज किस लेक्चर में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। चलिए सुवर्ण बात करते हैं एमसीक्यूज की। सबसे पहले हमारे पास जो ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज पहले एमसीक्यूज में वो बात कर रहा है कि जो हमारे पास होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, सॉरी जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो कब वैलिड होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड कहता है जी, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। वो कहता है कि वैलिड कब होता है, कब ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी शायद डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, मूव ही करता रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। यही कहा था ना हमने, एक्सटर्नल फोर्स, बात हो रही है एक्सटर्नल फोर्स की, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, ये इसको जरा माइंड में रखिएगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होगा, नेट फोर्स, यानी कि जब नेट फोर्स हमारे पास जीरो हो। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि नेट फोर्स बिल्कुल ना हो। तो हमारे पास इसका मतलब है न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन के लिए जो वैलिडिटी है वो नेट फोर्स का ना होना है। मतलब कहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, ये नेट फोर्स वाला हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारे पास और भी बहुत हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स मोमेंटम, नहीं हमारा वो फोर्स मोमेंटम फ्रिक्शन नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स अगर नहीं है तब जाकर न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन वैलिड होगा। क्लियर, चले एमसीक्यू नंबर टू। एमसीक्यू नंबर टू में वो बात कर रहा है कि हमारे पास ना इनर्शिया है और वो डिपेंड किस पर करता है। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन वो कह रहा है कि इनर्शिया डिपेंड किस पर करता है। ठीक है, अब इनर्शिया जो है वो हम पढ़ चुके हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की, जिसकी बेस पर वो अपनी स्टेट के खिलाफ रेजिस्ट करता है, और जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब वो कह रहा है कि इनर्शिया डिपेंड करता है, ऑप्शन हमारे पास है फोर्स, नेट फोर्स। वो कहता है क्या फोर्स पर डिपेंड करता है, नेट फोर्स पर डिपेंड करता है, मैस पर डिपेंड करता है, या फिर एक और ऑप्शन दे रहा है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो हम ऑप्शन पढ़ चुके हैं ना इनर्शिया में, तो याद रखना इनर्शिया डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मैस पर। ठीक हो गया, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर थ्री। एमसीक्यू नंबर थ्री में वो कह रहा है कि एक बस चल रही है, मूविंग बस है, उससे एक लड़का जंप करता है। अब बताएं लड़का किस तरफ गिरेगा, बस चलती जा रही है या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उससे अगर आप छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, तो आप किस डायरेक्शन में गिरेंगे, गाड़ी के राइट पे गिरेंगे, लेफ्ट पे गिरेंगे, गाड़ी की तरफ गिरेंगे, गाड़ी जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में गिरेंगे, या बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे। ठीक है, बात समझ आएगी ना। तो वो कह रहा है जंप फ्रॉम मूविंग बस फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन। वो कहता है किस डायरेक्शन में गिरेंगे, अगर मूविंग बस से जंप करते हैं, कूदते हैं, तो किस डायरेक्शन में गिरेंगे। पहले वो कहता है जी कि हम गिरेंगे जी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी की मोशन उस डायरेक्शन में गिरेंगे। फिर वो कह रहा है जी टूवर्ड द बस, क्या हम बस की तरफ गिरेंगे। फिर वो कहता है जी अवे फ्रॉम द बस और फिर वो कहता है जी कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम गिरेंगे। ठीक है, तो ये शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, प्रैक्टिकल किया हो, कि जब चलती गाड़ी से बहुत छलांग हो जाता है ना, या जो लोकल बसेज होती है ना जो बस स्टैंड पर चल रही होती हैं, तो वो आपको पता है कि पैसेंजर को अगर उन्होंने सपोज के लाहौर से उन्होंने इस्लामाबाद जाना है,
तो रास्ते में जितने शहर आएंगे, जितने स्टॉप्स आएंगे, वो हर स्टॉप पर गाड़ी पर स्टॉप करेंगे, पैसेंजर उतारेंगे, पैसेंजर बिठाएंगे, ऐसे लोकल बस का ही होता है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो ना लोकल बस में सफर करने का, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब पैसेंजर को उतारने लगते हैं ना किसी स्टॉप पे, बस हल्की हल्की चल रही होती है, बस को कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करते, हल्की हल्की चल रही होती है बस। तो वो पैसेंजर कहते हैं अग्गे मुकर, अग्गे मुकर, अग्गे मुकर, यानी कि गाड़ी की डायरेक्शन में की तरफ फेस करो, ठीक है, और कूद जाओ और छलांग लगा दो। तो जब छलांग लगाते हैं ना, थोड़े थोड़े टाइम के लिए ना वो जो पैसेंजर होता है वो भी बस के साथ दौड़ता है, फिर जाकर स्टॉप होता है। तो इसका मतलब अगर हम बस से कूदे ना, तो हमारी डायरेक्शन भी वही होगी जो बस की डायरेक्शन होगी, जो गाड़ी की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमारे हम किस तरफ गिरेंगे, हम गिरेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गाड़ी की मोशन है। बात समझ आ गई? चले जी, नेक्स्ट फोर एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज नंबर फोर है, और एमसीक्यूज नंबर फोर में कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, एक रस्सी है। वो कह रहा है कि हमारे पास रस्सी है, इसके एक फोर्स लग रही है इस साइड पर, दूसरी फोर्स लग रही है इस साइड, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है। ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है और ये भी 10 न्यूटन की ही फोर्स है, इनके दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं और दोनों 10-10 न्यूटन की हैं। वो कह रहा है बताएं इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, टेंशन मालूम करें टेंशन कितनी होगी। अब वो हमें ऑप्शन जो दे रहा है वो दे रहा है 0, 5, 10, 20। वो कह रहा है कि क्या टेंशन 0 होगी, 5 न्यूटन होगी, 10 न्यूटन होगी, या फिर 20 न्यूटन होगी। देखिए टेंशन क्या होती है, टेंशन बेसिकली होती है वो वाली फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और बॉडी को बैलेंस करने के काम होती है। ऐसी है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोज हमारे पास ये एक मैस है और उसको हमने हैंग किया हुआ है किसी रस्सी के साथ, और इसका वेट है, वेट इसका है जी 20 न्यूटन। अब इसमें जो डायरेक्शन होगी टेंशन की वो अपवर्ड होगी, और वो कितनी होगी, वो भी 20 न्यूटन होगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि टेंशन है वो ऑपोजिट होगी और वो इस मैस को बैलेंस करने का काम करेगी। अगर ये वेट हो जाए सपोज 10 न्यूटन, टेंशन कितनी होगी 10 न्यूटन, मतलब जितना वेट होगा उतनी ही टेंशन होगी। और वेट क्या होगा, वेट इज इक्वल टू फोर्स के इक्वल होता है। तो अब यहां पर देखें फोर्स कितनी है जी 10 न्यूटन, फोर्स कितनी है जी 10 न्यूटन, तो दोनों फोर्सेज जो हैं वो बैलेंस हो रही हैं, और रस्सी में तनाव है, खिंचाव है। अब जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ना एक एंड पर, टेंशन उसमें उतनी होगी। कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है जी 10 न्यूटन, तो इसमें टेंशन होगी वो 10 न्यूटन ही होगी, क्योंकि टेंशन का काम बेसिकली क्या होता है, बैलेंस करना। ठीक हो गया, चलो जी नेक्स्ट जी 5 एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 5 में वो कह रहा है कि मैस ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का जो मैस होता है उसके साथ क्या मामला होता है। मैस ऑफ बॉडी, फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक है, इसका मैस है जी 50 kg। अब वो कह रहा है कि ये जो मैस है ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज व्हेन एक्सेलरेट। वो कह रहा है जब ये ब्लॉक जब मूव करता है ना, तो इस ब्लॉक का मैस इंक्रीज हो जाता है। कभी ऐसा ऑब्जर्व किया, आप एक बैग लेकर जा रहे हैं, जो आपके पास कपड़ों का एक बैग है, उसका सपोज वजन है जी 50 kg, और आप डेवो में बैठे हैं, आप मूव करना शुरू करते हैं, तो बैग भी एक्चुअली में मूव कर रहा है। तो 50 kg का बैग रखा था, जब बैग मूव कर रहा था वो 100 kg का हो गया। ऐसा होता है ना, नहीं होता। इसका मतलब है कि जब मैस मूव करता है तो एक्सलरेट करता है, मूव करता है, तो उसका मैस इंक्रीज नहीं होता। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा है ही नहीं। अब आए दूसरे ऑप्शन पर, ऑप्शन में कहता है कि डिक्रीज होगा, जो मैस होगा वो डिक्रीज होगा व्हेन एक्सेलरेट। क्या मैस कम हो जाएगा जी, अगर मूव करते पहले 100 kg था, अब क्या वो मूव करते हुए वो 20 kg रह जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर वो कहता जी कि डिक्रीज होगा जब वो, फिर वो कहता जी वो और डिक्रीज होगा when move with velocity। अगेन ये एक्चुअली में ये वही क्वेश्चन है, acceleration और velocity, कि वो कहता है वो डिक्रीज होगा जब वो उसकी velocity चेंज होना शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन वो कह रहा है कि रिमेन सेम, के ऑब्जेक्ट
मैस चाहे मूव करे चाहे मूव ना करे, जो उसका मैस होगा वो सेम रहेगा। बिल्कुल ये तो है, ये तो है बिल्कुल ठीक है कि मैस हमेशा सेम रहता है, चाहे वो मैस मूव करे चाहे ना करे, चाहे आप ब्लॉक को उठाकर इस्लामाबाद लेकर जाए चाहे ना लेकर जाए, उसका मैस अगर 50 kg तो 50 kg रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 6 एमसीक्यूज में कह रहा है कि हमारे पास दो मैसेज हैं, हमारे पास दो मैसेज हैं, एक है M1 और दूसरा है M2, और दोनों एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रहे हैं, एक स्ट्रिंग के साथ, ये एक्सपोज पुली है, और दोनों मैसेज को हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजार रहे हैं। एक मैस हमारे पास ये है M1 और दूसरा हमारे पास ये मैस है और ये है M2। ये वही केस 1 है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, जिसमें टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम की थी। वो कह रहा है कि जो मैस M1 है ये नीचे मूव करेगा, मैस M2 ऊपर मूव करेगा। वो कह रहा है इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी। पहला ऑप्शन वो दे रहा है जी, चले इसको ना डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन जो होगा इसके अंदर उसकी वैल्यूज हमारे पास कुछ यूं होती है, ए इज इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइड बाय M1 M2 M1 प्लस M2 इनटू जी। कुछ ये हमने पढ़ा था ना, हमने शायद यही पढ़ा था आंसर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इनटू जी। तो ये हमारे पास कुछ इसका आंसर आता है, ठीक हो गया। चलिए इसको हम मजीद फिर भी देख लेते हैं। इसमें एक्सेलरेशन ना है, इसमें एक्सेलरेशन हमारे पास आता है जी, जी इसमें एक्सेलरेशन हमारे पास आता है जी M1 माइनस M2। इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास आता है, वो आता है A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इनटू जी। तो ये हमारे पास आता है इसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। चले नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास मोमेंटम है और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है। मोमेंटम का यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोमेंटम हमारे पास होता है जी, चले हम कहते हैं जी यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है, पी इज इक्वल टू mv, ठीक है, पी इज इक्वल टू mv, ये होगा मोमेंटम। इसका यूनिट निकालते हैं जी, इसका यूनिट हमारे पास होगा मास, मास का यूनिट होगा हमारे पास kg, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है जी मीटर पर सेकंड, या इसको हम यू लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, अब बताएं जी हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, क्या ये हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो है न्यूटन मीटर। ऑप्शन हमारे पास ये है, वो कह रहा है जी न्यूटन मीटर है, फिर वो कह रहा है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर वो कह रहा है जी न्यूटन सेकंड है, और फिर वो लास्ट पे कह रहा है जी न्यूटन पर सेकंड है। ये वाला तो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं ना, ये मैस पर सेकंड है, ये है मैस पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको याद हो तो इसका नाम एक अलग से हमने बनाया भी था, इसका यूनिट हमने अलग से बनाया था, कैसे देखिए इसी को पकड़ लेते हैं, kg m डिवाइड बाय s, हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड के साथ और डिवाइड भी कर देते हैं सेकंड के साथ, तो ये हमारे पास आएगा किलोग्राम मीटर ऊपर सेकंड, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मीटर सेकंड डिवाइड बाय नीचे बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ना इसको हम अलग कर लेते हैं, जिसको मैंने सर्कल किया ना इसको हम अलग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास kg m डिवाइड बाय s स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय s जो होगा ये अलग आ जाएगा, ये वाला ठीक हो गया। अब ये क्या चीज होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है न्यूटन, ये हमारे पास होता है न्यूटन, ये होगा न्यूटन और ये एस जो होगा ये एस डी साथ आ जाएगा, तो हमारे पास जो बन रहा है क्या ये ऑप्शन है हमारे पास, ये ns बिल्कुल है, ये सी वाला। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम के यूनिट को एक्चुअल में ये होता है, हम इसको चेंज करके ये भी कर सकते हैं
एनएस भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, चले एनसी नंबर 8 में कह रहा है कि हमारे पास एक ना कार्ट है और एक हॉर्स है। एक कॉट है, और कॉट मतलब छकड़ा, रेडी रेडी रेड़ा जिसको बोलते हैं, और हॉर्स आगे है, और हॉर्स जो है वो खेंच रहा है। अच्छा, हमने एक पढ़ा था एक्शन एंड रिएक्शन, अगर आपको याद हो, एक्शन और रिएक्शन को दोबारा हम करते हैं, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ मोशन में था। इनफैक्ट जब हम वॉक कर रहे होते हैं ना रोड के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो हम अपने पांव से अर्थ को बैकवर्ड धकेल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अर्थ को हम अपने पांव से बैकवर्ड धकेल, चूंकि अर्थ का मैस बहुत ज्यादा है। अर्थ का मैस पता कितना आपको? अर्थ का जो मैस है वो है 6×10^24 kg। इसका मतलब है 6 के साथ 24 टाइम जीरो लगाए गए, फिर वो उसको काउंट करें, फिर वो बनेगा केजी में। तो अर्थ का मैस चूंकि बहुत ज्यादा है, और हमारा मैस कितना होता है? 70 kg, ठीक है, 80 kg, 90-95। तो हमारा मैस इसके मैस के मुकाबले बहुत कम। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पांव से अर्थ को बैकवर्ड धकेलें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था ना, नहीं था, मैस बहुत ज्यादा मार था। तो हमने एक्शन कर दिया, अर्थ अब रिएक्शन करेगी, बदले में अर्थ हमें आगे तरफ धकेलेगी, जिसकी वजह से हम आगे मूव करते हैं। इस तरह दौड़ते हुए भी ऐसी सीन ही होता है एक्चुअल में, यानी कि हम एक्शन करते हैं अर्थ के ऊपर और अर्थ एक्शन करती है हमारे ऊपर। अच्छा, वो कह रहा है कि हॉर्स है और वो कार्ट को खींच रहे हैं। अब जो हॉर्स है वो एक्शन करता है किस पर? अर्थ पर एक्शन करता है या कार्ट पर एक्शन करता है? दोनों चीजें हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन, वो कहता है एक्शन किस पर करता है? अब तीन चीजें इसमें, इसमें एक हॉर्स है, एक कार्ट है और एक अर्थ है। ये जो हॉर्स है खींच रहा है किसको? कार्ट को। और अगर आप बताएं हॉर्स जो है वो एक्शन किस पर कर रहा है, कार्ट पर कर रहा है, अर्थ पर कर रहा है, या दोनों पर कर रहा है? ये एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 8, ठीक है। तो एक चीज याद रखें, एक्शन किसने करना है? कॉट ने, नहीं नहीं अर्थ ने, नहीं नहीं एक्शन करना है हॉर्स ने, हॉर्स एक्शन कर रहा है। तो हॉर्स के अलावा बाकी जितनी चीजें होगी ना वो सारी सारी रिएक्शन आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जो हॉर्स एक्शन करेगा वो इन दोनों पर करेगा। तो इसमें कहेंगे हॉर्स जो एक्शन करेगा वो कॉट एंड अर्थ इन दोनों पर करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन होगा वो ये वाला, कॉट एंड अर्थ वाला, ठीक। चलिए इसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9। अब एमसीक्यू नंबर 9 में वो कह रहा है कि हमारे पास दो मटेरियल है, हमने उनके दरमियान में फ्रिक्शन को कम करना है। अगर आप बताएं फ्रिक्शन को कम करने के लिए कौन सी चीज ज्यादा ठीक रहेगी? वो कह रहा है जी विच वन बेस्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। वो कह रहा है फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेस्ट चीज क्या रहेगी? ऑप्शन दे रहा है, वो कह रहा है वाटर है, हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वाटर लगा दें तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि हम मार्बल पाउडर लगा देते हैं, मार्बल पाउडर। फिर वो कह रहा है कि हम ऑयल लगा देते हैं। फिर वो कह रहा है कि हम जो है एयर, दोनों के दरमियान में एयर कर देते हैं। अब बताएं जी कौन से वाला बेस्ट होगा? घर के गेट की कुंडी जो होती है ना, लॉक होता है वो, ना से बंद हो ना से खुले, तो तंग कर रहा हो, तो उसके ऊपर हम पानी लगाते ठीक हो जाता? नहीं, पानी नहीं लगाते, नहीं हम ऑयल लगाते उसके ऊपर, तो वो ठीक से फिर बंद होती खुलती है। तो इसका मतलब है ऑयल जो है दैट्स द बेस्ट ल्यूब्रिकेंट, और ये फ्रिक्शन को टू सरफेस में कम करने के काम आएगा। ठीक हो गया, तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज, जिसमें हमने एमसीक्यूज एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको इन सब की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।